नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल जीए चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा कुछ डाटा है, इस डाटे के हेल्प से हम आपको बताएंगे शॉर्टकट की के बारे में। दूसरा शॉर्टकट की है यहाँ पे A4। A4 से क्या होता है, जैसे ये वाला कुछ टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और सेम इसी टेक्स्ट को अगर आपको नीचे या कहीं पे भी पे मतलब लिखवाना है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप A4 प्रेस कर लेंगे तो जो आपका ये टेक्स्ट होगा यहाँ पर आ गया होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर शॉर्टकट की है वो है Ctrl+1। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। जो कुछ भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये नंबर है, तो कुछ नंबर में फॉर्मेट करना चाहते हैं करेंसी में, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद फॉर्मेट कर देंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद Ctrl+1 दबाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये करेंसी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालाँकि ये डॉलर में डॉलर का साइन है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है यहाँ पे F11। अगर आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं F11, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका डाटा है उसका यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट। ऑल्ट अगर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पे रिबन आपको दिखेगा ऊपर की साइड में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 F H N J I P, कुछ इस प्रकार से, तो इसको रिबन बोलते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है यहाँ पे, मान लीजिए अगर आप इसको स्वाम कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट है इसको स्वाम कराना चाहते हैं, तो ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक जहाँ तक भी आपका अगर बीच में गैप रहेगा तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर ये पूरा सटा रहता तो ये सबको सेलेक्ट कर लेता। तो मान लीजिए इन सब का यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करवाना है डायरेक्ट, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बताते हैं। मान लीजिए ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैलकुलेशन कर लेगा ऑटोमेटिकली। जिसे हम यहाँ पे ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस करते हैं, एक साथ आपको प्रेस करना है। फिर इसके बाद जब आप ऑल्ट और इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे प्रेस करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल जो इसका अकाउंटिंग है यहाँ पे आपको दे देगा। आप यहाँ से भी ऐसे करके देख सकते हैं, यहाँ से 54 आ रहा है, यहाँ पे भी 54 है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो रिसाइज करने के लिए है। मान लीजिए इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप रिसाइज करते हैं तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की से रिसाइज करना है तो आप यहाँ पर Alt+H+O+I प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt+H, फिर इसके बाद O, फिर इसके बाद I, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने Alt+H+O+I प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसाइज हो चुका है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है ये है कि अगर आप पे ये जो वर्कशीट है, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, इसमें इसमें इसमें, लेकिन इसमें आपको टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की बताता हूँ, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल दबाना है और पेज डाउन का जो ऑप्शन होता है आपके कीबोर्ड में वो प्रेस करना है। तो देखेंगे आपका जो ये वर्कशीट है सब में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कंट्रोल और पेज अप पेज डाउन यहाँ पे दबाया है तो एक से दूसरे वर्कशीट में ये मूव हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी मूव कर सकते हैं, मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं। अगर आपको आगे की ओर जाना है तो कंट्रोल दबा के पेज डाउन का पेज अप का जो ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे तो आगे की ओर इधर की ओर बढ़ेगा, और डाउन का ऑप्शन दबाएंगे तो इधर की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है फार्मूला शो कराने के लिए। मान लीजिए अगर आपको इसका फार्मूला देखना है, इसका फार्मूला क्या क्या है, तो सिंपली आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की से देखना है तो आप यहां पे कंट्रोल और एक हाइफन प्रेस करेंगे तो यहां पे आप फार्मूला इसका देख सकते हैं। जैसे हम इसका हमको देखना है तो यहां पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल और हाइफन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, हमने कंट्रोल और हाइफन जैसे प्रेस किया है यहां पे फार्मूला दिख रहा है, क्या क्या फार्मूला हमने यूज किया है, कहाँ से कहाँ तक डाटा को हमने लिया है। तो ये आप इसकी मदद से देख सकते हैं, कंट्रोल और हाइफन की मदद से। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और बैक स्पेस का। इसका क्या जुड़ता है, जैसे आपका डाटा यहाँ पे है कुछ, मान लीजिए आप स्क्रॉल करके बहुत सारे नीचे चले गए, स्क्रॉल करते करते
मान लीजिए आपको उसी डाटा पे वापस जाना है तो कैसे जाएंगे? तो शॉर्टकट की है एक कंट्रोल बैक स्पेस, जैसे ही प्रेस करेंगे आपको उसी सेल में ले जाएगा जहां आप एडिट कर रहे थे। देखिए जहां पे हम यहां पे थे तो यहां पे आ गया। अगर हम यहां से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो जैसे ही कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहां पे भी आ जाएगा, जैसे हम कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करते हैं। ये देखिए यहां पे भी आ गया। तो इसका आप यूज कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा कुछ स्क्रॉल कर लिया है नीचे की तरफ, तो झट से आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स की है, अगर आप किसी डेट को डे, मंथ और ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिससे हम यहाँ पे एक डेट इंसर्ट कर लेते हैं, तो डेट इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपका डेट इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको डे और मंथ और ईयर में करवाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मंथ शो कर रहा है, फिर इसके बाद डे शो कर रहा है, फिर इसके बाद ईयर शो कर रहा है। तो अगर हमको इसको डे, मंथ और ईयर में करवाना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट हैच है। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट हैच करेंगे तो ये डे, मंथ और ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट हैच प्रेस किया तो ये 12 जुलाई 2021 का यहाँ पे डेट शो कर दिया है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, अगर आप किसी में हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। तो जहाँ पे भी आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक आ गया है। यहाँ से आप कुछ डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे उसका एड्रेस दे सकते हैं जिसका भी एड्रेस होगा। मान लीजिए आपको इस फाइल का एड्रेस देना है, जैसे हम यहाँ पे इसमें आ गए और इसका हम दे देते हैं। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से कॉपी हम कर लेंगे इन सबको, या फिर आप किसी URL का भी ID दे सकते हैं। तो हम ये वाला देते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद पेस्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसी सेम फाइल में यहाँ पे ले जाएगा। तो इसका यूज हाइपरलिंक का यूज कुछ इस प्रकार से किया जाता है, या फिर आप यहाँ पे कुछ गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ और लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप किसी को हाइपरलिंक को हटाना है तो सिंपली यहाँ पे सेल में आएंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल के प्रेस कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से रिमूव लिंक ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो लिंक है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, मान लीजिए ये आपका अमाउंट है, मान लीजिए ये आपका अमाउंट है ये वाला, इसको आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का जो साइन होता है आपका कीबोर्ड में वो प्रेस करेंगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट डॉलर प्रेस किया तो ये डॉलर में अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसे करेंसी में मतलब इंडियन रुपीज़ में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंसी यहाँ पे सिंबल, मान लीजिए आपका इंडियन में होगा तो R लिखा होगा यहाँ पे, ये देखिए R लिखा है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हैं करेंसी को कन्वर्ट करने में। जो शॉर्टकट की है यहाँ पे है, मान लीजिए फॉर्मूला बार को कुछ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट यू, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो इसका जो साइज है ये वाला का साइज कुछ बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस किया इसका जो साइज है यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है कि जैसे हम इसको पहले हटाते हैं सब, फिर इसके बाद यहाँ पे नो बॉर्डर करते हैं। अब आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो यहाँ पे शॉर्टकट की है, मान लीजिए इसमें अगर आपको कुछ सब में बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है, अगर आप मैनुअली लगाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करते होंगे फिर यहाँ से कुछ बॉर्डर ले लेते होंगे, लेकिन हम जो शॉर्टकट की बजाते हैं उससे आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। तो उसका जो शॉर्टकट की है वो ये है कंट्रोल शिफ्ट एड डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से भी आपको लगाना है लगा वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एड डायरेक्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एड डायरेक्ट नहीं प्रेस करना था, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करना था, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करते हैं। तो ये देखिए इसका जो आउटसाइड बॉर्डर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एंड डायरेक्ट एंड का बटन का प्रेस करेंगे तो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है ये आपको पता ही होगा, जैसे कंट्रोल डायरेक्ट आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं या फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन में हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप किसी बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर है
तो इसको रिमूव करना है तो शॉर्टकट की से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपको हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एक माइनस जैसा साइन होता है वो वाला आपको प्रेस, ड्रेस का साइन जो होता है वो प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और डैश को ऑप्शन का प्रेस करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये सारे शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है यहाँ पे, मान लीजिए अगर किसी में आपको परसेंट देना है तो उसका एक शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जब आप किसी को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्टकट किसके हेल्प से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंट का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज दबाया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन स्टाइल, इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपका जो टेक्स्ट है कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर कुछ लंबा टेक्स्ट लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा, उसका एक शॉर्टकट की है, इसको यहाँ पे कुछ कम कर देगा जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए आपको प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आप दिखाना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है नंबर स्टाइल। मान लीजिए कि अगर आपको किसी इसमें नंबर वाला स्टाइल में अगर सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप क्या करते होंगे, यहाँ से जाके ऐसे करते होंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी शॉर्टकट की से मदद शॉर्टकट की हेल्प से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जो बोलते हैं उसको प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर स्टाइल में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे है न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए, तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल और F12 प्रेस करेंगे तो न्यू वर्कबुक ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल F12, तो अभी हम देख सकते हैं न्यू वर्कबुक का ऑप्शन आ गया है। अगर आप किसी फाइल को डायरेक्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो जैसे हम इसमें जाते हैं और यहाँ से कुछ फाइल वगैरह ले लेते हैं, जैसे ये वाला, यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये देखिए न्यू यहाँ पे वर्कबुक यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप किसी फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं कंट्रोल F12 प्रेस करके। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, मान लीजिए इन सब टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल F प्रेस करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका ही बेसिक सा ये यूज है, इसका यूज सब जानते ही होंगे, अगर आपको चेक करना होगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है उसका क्या यूज है, जैसे अगर आप इस फॉर्मूले का देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है तो उस शॉर्टकट की मदद से आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाला ब्रैकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कर देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट डार्क यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप कहीं पर भी डेट इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट करवाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वह है टाइम इंसर्ट करने के लिए, तो टाइम इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर आप किसी ये जो इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं ये पूरा लाइन को तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड में सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक डिलीट करना है तो कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आपको करना होगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, अगर आप किसी को ऐसे डिलीट करना है ये जो सेल है इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Alt+HDC। तो हम यहाँ पे Alt+HDC प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Alt+HDC प्रेस करेंगे तो ये जो सेल है डिलीट हो जाएगा, या फिर आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर यही सेम टेक्स्ट को आपको कॉपी नहीं करना है, पेस्ट नहीं करना है, तो सिंपली आप यही टेक्स्ट को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो उसका एक शॉर्टकट ये कंट्रोल D प्रेस करेंगे
तो ऊपर को जो लिखा होगा सेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो है ना ये कमाल की चीज़, अगर आपको यूज करना होगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप इससे जो ये जो पूरा आपका डाटा है इसमें अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे भी फाइंड एंड सेलेक्ट पर भी फाइंड पर क्लिक करके कुछ फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट में कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड का जो पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ फाइंड कराना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे 191 क्यू को फाइंड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 191 यहाँ पे क्यू डाल देंगे, फिर इसके बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये 191 क्यू में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चला गया। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे रिप्लेस करने का ऑप्शन है, तो जैसे आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 19 क्यू जो लिखा है उसके जगह पे कुछ और लिखवाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो पॉपअप है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 19 क्यू लिखेंगे, आपको जो भी करना होगा तो उसको कर सकते हैं। तो हम 19 क्यू को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, चेंज करना है इसको, मतलब कि जहाँ पे 191 क्यू लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं रिप्लेस का। तो हमको रिप्लेस कैसे कराना है, जैसे 7-8 नेक्स्ट जो यहाँ पे शॉर्टकट ये हुई है कि आप यहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, ऑल्ट और क्यू प्रेस करना है। तो आप अगर आपको कुछ यहाँ पे खोजना है तो लिख के खोज सकते हैं, जैसे हम कुछ और लिखना चाहते हैं सम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम का फार्मूला यहाँ पे आ गया है। कुछ अगर खोजना चाहते हैं तो खोज सकते हैं ऑल्ट और क्यू प्रेस करके। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर आप कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, आपको यहीं पे क्लिक करके पूरा को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके पूरा को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपली शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा सेल। तो उसी प्रकार से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है कि मान लीजिए इस वर्कबुक को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको क्लोज करते होंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है, जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल W। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो गया है और यहाँ पे आप इसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल और O प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में, और मान लीजिए आपको जो भी रिसेंट काम किए होंगे कुछ ओपन करना होगा तो उसको ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिलीटेड था इसीलिए ओपन नहीं हो पाया, फिर से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल O, फिर इसके बाद ये वाला लेते हैं वाउचर वाला को, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाउचर यहाँ पे आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे हैं या फिर यहाँ पे हैं, अगर आपको वापस होम टाइम में जाना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है ऑल्ट और एच प्रेस करना है, तो हम यहाँ पे ऑल्ट और एच को प्रेस करेंगे तो ये होम टैब में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो है, आपको पता ही होगा कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो ये सारे ऑप्शन को आपको शायद पता ही होगा, बहुत से लोग इसको जानते होंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ये है, अगर आप इसमें कुछ कलर वलर फिल करवाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप नॉर्मली आप इसे करते होंगे तो इसको सेलेक्ट करते होंगे फिर यहाँ से कलर वगैरह इसे फिल कर लेते होंगे, लेकिन उसका एक शॉर्टकट की है, अगर आप शॉर्टकट की से हेल्प से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट एच एच प्रेस करना है दो बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर।